गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शेयर एकेडमी का और एक सेशन। आज डेट है 6 जून और रात के बज रहे हैं 9:30। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया और चैनल को किया है अभी तक नहीं सब्सक्राइब, सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी उम्मीद से भी तेज रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, टोटल सब्सक्राइबर हो गए हैं 1620। और अगर ये चैनल आपको आता है पसंद और हमारे वीडियोस आपको किसी भी तरह से नया नॉलेज देते हैं या फिर आपके लिए है प्रॉफिटेबल, तो वीडियोस को कीजिए लाइक। और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहा है इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि ये चैनल इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता। इस संबंध में हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पर शेयर्स को करते हैं थॉरोली, फंडामेंटली और टेक्निकली एनालाइज, और एनालिसिस के बाद पोर्टफोलियो में खरीद के लिए हम देते हैं सलाह। मिनिमम पोजीशंस होती हैं 1 वीक के लिए और मैक्सिमम 1 साल के लिए, और हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न भी इसी के मुताबिक होते हैं, जो कि मिनिमम रिटर्न्स 10% एक्सपेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सेशन है हमारी लर्न टू अर्न सीरीज का अगला वीडियो। आप में से वो लोग जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं और जो हमसे जुड़े हुए हैं कि लर्न टू अर्न नाम की एक नई सीरीज हमने शुरू की है, जिसमें हम आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी अभी देखना शुरू किया है और इससे पहले आपने लर्न टू अर्न सीरीज का कोई वीडियो नहीं देखा है, फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को यहीं कीजिए पॉज। सबसे पहले इन वीडियोज को देखिए और वो भी सीरीज से एक तरफ से देखना शुरू कीजिए, वीडियो नंबर 1 से, तब आपको ये सीरीज बेहतर समझ में आएगी। आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम कहें कि अगर टेक्निकल एनालिसिस के पूरे नॉलेज में से अगर 5 या 10% नॉलेज निकाला जाए तो ये उसमें से एक है। टॉपिक है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या है और क्यों है जरूरी जानना आपके लिए। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है और क्यों है जानना जरूरी। ये टॉपिक लगभग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक था ट्रेंड एनालिसिस का। और फ्रेंड्स, आप सबने ट्रेंड एनालिसिस पढ़ने के बाद और वो वीडियो देखने के बाद आपने हमें जो फीडबैक्स दिए थे बहुत ही शानदार थे। कुछ लोगों ने कहा कि अरे सर, सोच ही पलट दी मार्केट के बारे में आपने तो। सो सेम वैसे ही है, सपोर्ट रेसिस्टेंस जानना बहुत जरूरी है। और चूंकि पूरा का पूरा जो ये सेशन है ये प्रैक्टिकल है, इसके अंदर थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए हम सीधे शुरू करते हैं अपना सॉफ्टवेयर जो कि है ट्रेड टाइगर वर्जन 2.5। और इसी सॉफ्टवेयर पर हम आपको बताएंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस बेसिकली क्या है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस किस तरह से निकाला जाता है और सपोर्ट और रेसिस्टेंस का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। आप में से वो लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि ये चार्ट है कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, और वो भी इंट्राडे का चार्ट। शेयर है IDFC फर्स्ट, और इसी चार्ट पर हम सीखेंगे कि बेसिकली सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सपोर्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। मूवमेंट करता हुआ एक शेयर ऊपर नीचे लगातार घूमता रहता है। शेयर कभी भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड के अंदर अगर चलता है तो भी ऊपर नीचे झूलता रहता है, ठीक। तो हर कैंडल एक पर्टिकुलर लेवल के पास आकर रुकती है और उसके बाद अपना मूवमेंट दिखाती है। अगर इन सभी कैंडल्स को आप एक बड़े पैमाने पर देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ खास लेवल हैं जिनको ये कैंडल स्टिक्स या कि ये चार्ट बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता है। यानी ऊपर से गिरता हुआ चार्ट, जब भी शेयर ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो कुछ लेवल ऐसे होते हैं जिनके पास में आकर शेयर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और रेस्पेक्ट देता है उस पर्टिकुलर लेवल को। जैसा कि इस करंट लेवल पर हो रहा है, जरा इस लाइन को ध्यान से देखिए जो कि है 59 रुपीज और 49 की लाइन। ये पर्टिकुलर लाइन ऐसी है कि ऊपर से गिरता हुआ यह शेयर इस लकीर पर 1, 2, 3 बार लगातार रुकता है और इस लकीर को नीचे नहीं तोड़ता। ऐसा नहीं होता कि शेयर आता है और सीधे नीचे गिरता हुआ चला जाता है, नहीं, ये अचानक से कुछ समय के लिए इस लकीर पर रुक रहा है, फिर थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, और इस पर्टिकुलर लकीर को बड़ी इज्जत दे रहा है। जी हाँ, ये है वो लेवल जिसे हम कहते हैं सपोर्ट। बेसिकली सपोर्ट और रेसिस्टेंस और कुछ नहीं होता, एक शेयर के चार्ट के मूवमेंट के दौरान कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स को चार्ट बड़ी रेस्पेक्ट देता है, बहुत इज्जत देता है। उन पॉइंट्स के पास में आता है तो थोड़ी देर के लिए रुकता है, आराम करता है, कई बार इन्हीं लेवल्स पे टकरा के ऊपर से नीचे गिरता हुआ शेयर टकराता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, टकराता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, टकराता है, फिर ऊपर जाता है, और फाइनली इसे तोड़कर नीचे जाता है। ये वो लेवल्स हैं जिन लेवल्स को चार्ट बहुत ज़्यादा इज्जत देता है और इसीलिए इन लेवल्स को कहते हैं सपोर्ट। ऊपर से गिरता हुआ शेयर जब भी कुछ खास लेवल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनके पास कुछ देर के लिए रुकता है, 1-2 बार इन लेवल्स पर आकर सपोर्ट लेता है, यानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो लगातार नीचे गिरता से नहीं चला जा रहा है, थोड़ी देर के लिए उस लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, थोड़ी मदद ले रहा है, हेल्प ले रहा है, इसलिए इन लेवल्स को कहते हैं सपोर्ट लेवल। बेसिकली सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल अलग अलग नहीं होते, सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल एक ही होते हैं। तो
ऊपर से गिरता हुआ शेयर जिन लेवल्स पर आकर थोड़ी देर के लिए रुकता है उन लेवल्स को कहते हैं सपोर्ट। अब रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है ठीक इसका उल्टा। कोई भी एक शेयर लेते हैं जो कि अप ट्रेंड में हो, ठीक है, और अप ट्रेंड में अगर आपको शेयर देखना है तो शेयर है हैवल्स, हैवल्स निकालते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर सपोर्ट है ऊपर से नीचे गिर रहा हुआ शेयर जिस जगह पर थोड़ी देर के लिए रुकता है उसको अगर सपोर्ट कहते हैं, तो रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब होता है विरोध, यानी कि विरोध कब मिलेगा शेयर को? जब शेयर नीचे से ऊपर जा रहा है और कोई एक ऐसा लेवल है जो शेयर को अपने से ऊपर जाने नहीं दे रहा है, वो लेवल कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाने दूंगा, तो हैवल्स का शेयर जब नीचे से ऊपर चलता है, लेवल है 502 का, एक बार थोड़ा ऊपर निकलता है, फिर ये लेवल कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने से ऊपर नहीं जाने दूंगा, नीचे जाओ, शेयर नीचे आता है, दोबारा फिर कोशिश कहता है और कहता है कि सर नहीं मुझे ऊपर जाने दीजिए, लेवल कहता है नहीं मैं तुम्हें ऊपर नहीं जाने दूंगा, हैवल्स फिर नीचे आता है, तिबारा फिर कोशिश करता है, चौथी बार फिर, पांचवीं बार फिर, और छठी बार आखिर में एक बार ये कामयाब हो जाता है, लेकिन एक बार दोबारा नीचे आने के बाद फिर इससे फाइनली शेयर इस लेवल से ऊपर निकल जाता है। तो ऊपर से नीचे गिरता हुआ शेयर जिन लेवल्स के पास में आकर सपोर्ट लेता है उन लेवल्स को कहते हैं सपोर्ट, और नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ शेयर जिन लेवल्स के पास में कुछ देर के लिए रुकता है, जिस इंपॉर्टेंट लेवल के पास, और थोड़ी देर के लिए वहां पर आराम करता है, रेस्पेक्ट देता है उन लेवल्स को या वेट करता है, इन लेवल्स को कहते हैं रेसिस्टेंस। कोई फर्क नहीं है सपोर्ट और रेसिस्टेंस में। तो आखिर क्वेश्चन ये है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस आखिर होते ही क्यों हैं, क्यों किसी शेयर के अंदर सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ का आंसर क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स बनते कैसे हैं। मिसाल के लिए अगर आपके पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो कि जब ये चार्ट फॉर्म हो रहा है, जब ये शेयर बन रहा है, ओके, इन स्टडीज़ को ज़रा हटा देते हैं, रिमूव ऑल स्टडीज़, ओके, हाइट रिमूव स्टडीज, बस ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब ये शेयर निचले स्तरों से बढ़ना शुरू करता है, ठीक, ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया और नीचे से बढ़ना शुरू किया वॉल्यूम के साथ, अब क्या होता है, इस जगह पर आकर बायर्स एक्टिव होते हैं और वो यहाँ पर खरीद करते हैं, ठीक, बायर्स ने यहाँ पर खरीद किया, शेयर ऊपर की तरफ आया और शेयर आ गया तकरीबन यहाँ पर, लेवल्स क्या थे बाय करने के, 315, और शेयर लगभग कहां तक आ गया, 426, और जरा ये लेवल देखिए ध्यान से, इस लेवल के पास में आकर शेयर अचानक से रुकने लगा। जब शेयर थोड़ा रुकता है तो बायर को लगता है कि अब इससे ज्यादा मूवमेंट शेयर नहीं देगा, और 315 से लेकर 426 करीब करीब शेयर ने 25% का रिटर्न तो दे ही दिया है, तो बायर्स क्या करते हैं, इन लेवल्स पर बेचने शुरू करते हैं शेयर्स को। जब शेयर्स को इन लेवल्स पर बेचना शुरू करते हैं तो यहां पर एक पर्टिकुलर पैटर्न बनता है कि इस जगह पर शेयर का मूवमेंट कुछ समय के लिए हाल्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि ये वो जगह है जहां पर सप्लाई आई थी, रेसिस्टेंस और सपोर्ट, सप्लाई और डिमांड, ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक। सो निचले लेवल्स पर बाय किया हुआ शेयर इन लेवल्स पर सेल कर देते हैं तो इस जगह पर एक थोड़ा सा लेवल बन जाता है जिस जगह पर कि शेयर कुछ देर के लिए आराम करता है। अब जो यहां बायर था उसे अच्छी तरह से याद है कि मैंने शेयर को यहां सेल किया है, ठीक, अब वो इंतजार करता है कि शेयर इससे नीचे निकले, नहीं निकलता, फिर शेयर अचानक यहां से बढ़ना शुरू करता है और शेयर जाता है ऊपर। अब ये बायर इंतजार करता है इस लेवल का, क्यों, इस बायर को पता है कि ये शेयर इस जगह पर आकर थोड़ी देर के लिए थका था, अगली बार जब ये शेयर नीचे गिरना शुरू करेगा और इन लेवल्स के पास में आएगा तो ये बायर अगेन इस जगह पर खरीदारी करेगा, क्यों, उसकी मेमोरी में ये चीज है कि एक बार इस शेयर से प्रॉफिट हमने 316 के पास में बुक किया है। इसका मतलब है कि 416 के पास आकर शेयर थोड़ी देर के लिए आराम करता है, और यही वजह है कि इस तरह से लेवल्स फॉर्म होते हैं। तो वो लेवल जो एक बार सबसे पहले बना था वो लेवल अगली बार के लिए सेम वही लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है और शेयर लगभग उसी के पास में आकर थोड़ा सा सपोर्ट लेता है, क्योंकि फ्रेश बाय लोग इन्हीं लेवल्स के पास में करना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है तरीका कि किस तरीके से सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनता है। अब किसी भी शेयर में सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकाला कैसे जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी शेयर का एक चार्ट ओपन कर लीजिए। चार्ट ओपन करने के बाद पूरे चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कीजिए, जूम इन नहीं, बहुत क्लोज से मत देखिए, थोड़ा सा जूम आउट कीजिए। अब ज़रा ध्यान से देखिए, एक पर्टिकुलर लेवल है ये वाला जिसके पास में आकर बार बार ये शेयर रुक रहा है ना, ये लेवल दिख रहा है आपको, ये इस शेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों, जब जब ये शेयर
ऊपर से नीचे गिरा है तब तब इस लेवल के पास में आकर शेयर ने सपोर्ट लिया, एक दो हो गया। जब जब इस शेयर ने ऊपर से नीचे गिरावट दिखाई है तब तब ये शेयर इस लेवल के आप पास आकर सपोर्ट लेता है। ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये दिख रहे हैं ये सारे लेवल्स, ठीक। ये देखा, इस तरह से आप किसी भी शेयर का सपोर्ट लेवल निकालते हैं। अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान से सुनिए। क्या? ऊपर से नीचे गिरता हुआ शेयर जब भी कभी भी सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे आ जाएगा, और अगली बार जब शेयर ऊपर चलना शुरू करेगा तो वही सपोर्ट लेवल इस बार शेयर का रेसिस्टेंस लेवल बन जाएगा और शेयर को इतनी आसानी से अपने ऊपर नहीं जाने देगा। दोबारा बोलते हैं, इसे दोबारा से सुनिए। ऊपर से नीचे गिरता हुआ शेयर एक बार अगर सपोर्ट लेवल को क्रॉस करके नीचे चला जाता है तो दोबारा ये सपोर्ट लेवल इस बार शेयर के लिए रेसिस्टेंस का काम करता है और ये रेसिस्टेंस लेवल इस बार शेयर को आसानी से अपने ऊपर नहीं जाने देता। ठीक यही चीज होती है रेसिस्टेंस लेवल के लिए। कब? नीचे से ऊपर चलता हुआ शेयर जब एक बार अपने रेसिस्टेंस लेवल को पार कर जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल था, इसको जब पार कर जाता है और दोबारा शेयर अगर ऊपर से नीचे गिरना शुरू करता है तो यही रेसिस्टेंस लेवल शेयर के लिए सपोर्ट बन जाता है। कहने का मतलब, सेम लेवल सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों का काम करते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है, ये पता होना चाहिए कि चार्ट इसके ऊपर है या इसके नीचे। अगर चार्ट एक लेवल को नीचे से ऊपर की तरफ काटने की कोशिश कर रहा है तो वो लेवल रेसिस्टेंस होगा। अगर चार्ट किसी लेवल को ऊपर से नीचे की तरफ काटने की कोशिश कर रहा है तो यही लेवल शेयर का सपोर्ट लेवल होगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल निकालने के लिए हम जो कैंडल स्टिक है इनकी शेडोज का भी इस्तेमाल करते हैं? आंसर है नहीं। ध्यान रखिए कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल एब्सोल्यूट टर्म में कभी भी नहीं होते। इंट्राडे ट्रेडर्स आमतौर पर ये कहेंगे कि 16 रुपए 68 पैसे ये इसका सपोर्ट लेवल है, 15 रुपए 35 पैसे, ऐसा कभी भी नहीं होता। सपोर्ट लेवल एक वेग सा टर्म है जिसका कि जो परसेंटेज टर्म्स में 2 या 3% ऊपर या नीचे सपोर्ट ले सकता है। अब जरा ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखिएगा। इस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक ने अपनी शेडो से 526 रुपए पर सपोर्ट लिया, बट नीचे गिरता हुआ शेयर 526 रुपए से और नीचे चला गया, तकरीबन कितना नीचे? 523 रुपए, ठीक, या 522 रुपए लगभग, ठीक। इसका मतलब क्या है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल कभी भी एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होता है। अगर आप कहते हैं कि 500 रुपए का मतलब 500 रुपए नहीं होगा, वो 505 510 रुपए भी हो सकता है और नीचे की तरफ 495 490 रुपए तक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस इस तरह से निकाले जाते हैं, एक। और दूसरा, इंपॉर्टेंस क्या है सपोर्ट और रेसिस्टेंस की? इंपॉर्टेंस है सपोर्ट और रेसिस्टेंस की ये जानने के लिए कि शेयर को किन लेवल्स पर खरीदना है और किन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करना है। भाई ये बात कैसे पता चलेगी? तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि ये बात पता कैसे चलेगी, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शेयर्स को किन लेवल्स पर खरीदना है। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं माइथन एलॉय का, क्योंकि यही हमने आपको एग्जाम्पल में दे रखा था। और यही देखिए, माइथन एलॉय में खरीदारी किन लेवल्स पर करनी है, कैसे पता चला? इससे प्रीवियस ट्रेंड हमने देखा शेयर का, फंडामेंटली शेयर स्ट्रांग है ये पहले देख लिया। उसके बाद देखा कि शेयर ने पहले हिस्ट्री में किन किन लेवल्स पर सबसे ज्यादा सपोर्ट लिया है। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट शेयर ने लिया है 451 के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 के करके, ठीक है। इसकी हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये लेवल हम बना लेते हैं कि शेयर अगर इन लेवल्स के पास में आता है तब हम फ्रेश खरीदारी करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, ऊपर से गिरता हुआ शेयर सबसे निचले स्तरों तक आया और उसके बाद आकर किन लेवल्स के पास में सपोर्ट लेता है, जो 451 के थे उसको भी तोड़कर नीचे निकल गया और निचले लेवल्स पर जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था जहां पर कि शेयर ने 1 2 3 बार सपोर्ट लिया, 483 पर यहां तक आया शेयर। तो अब हम क्या करते हैं, जब सपोर्ट लेवल के पास आने के बाद शेयर घूमना शुरू करता है, ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, तब हम बाई करते हैं। सपोर्ट लेवल्स को हम इस्तेमाल करते हैं शेयर्स बाई करने के लिए कि सपोर्ट लेवल तक आएगा शेयर, उसके बाद सपोर्ट लेवल से घूमेगा, जब घूमेगा तो हम बाई करेंगे। रेसिस्टेंस लेवल का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? रेसिस्टेंस लेवल का हम इस्तेमाल करते हैं टारगेट जानने के लिए। आप लोग हमसे पूछते हैं कि सर माइथन एलॉय आपने खरीदारी के लिए तो बता दिया 524, बट ये बताइए कि इसका प्रॉफिट किस जगह बुक करना है। तो हम ये कैसे बताते हैं आपको? अब देखिए, नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ शेयर, मान लीजिए कि ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती हमारे पास, शेयर से सिर्फ इतना चार्ट होता तो हम कहते हैं कि शेयर नीचे से ऊपर जा रहा है, एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन देखिए शेयर का कहां पर है, ये लेवल। क्यों? ये पर्टिकुलर लेवल है जहां पर शेयर ने एक बार,
दो बार, तीन बार, चार बार रेसिस्टेंस लिया है, ठीक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ चलता हुआ शेयर इन लेवल्स के पास में आकर थोड़ा सा थकना चाहिए। और जरा देखिए कि माइथन एलॉय उन्हीं लेवल्स के पास में आकर थकता है। ये खूबी है टेक्निकल एनालिसिस की, अगर आपको इसे पढ़ना आता हो, ठीक। और ये हो गया कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस का इस्तेमाल कैसे करना है। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या, कि कभी भी सपोर्ट लेवल से अगर शेयर नीचे की तरफ जाता है, किसी भी सपोर्ट लेवल को अगर शेयर नीचे की तरफ तोड़ता है, जैसे यहां इस पर्टिकुलर ट्रेंड को हम कहते हैं ब्रेकडाउन, और अगर रेसिस्टेंस लेवल को शेयर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो हम कहते हैं ब्रेकआउट। नीचे टूट रहा है तो ब्रेकडाउन, ऊपर टूट रहा है तो ब्रेकआउट। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के समय वॉल्यूम का आना बहुत जरूरी है, हमेशा ध्यान रखिएगा। सपोर्ट और रेसिस्टेंस में जब आपको फ्रेश खरीदारी करनी है, तो अगर रेसिस्टेंस जोन शेयर ने तोड़ दिया और उसके साथ आपको वॉल्यूम मिल गया, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन था 542 का, इस रेसिस्टेंस जोन को तोड़ा शेयर ने, साथ ही वॉल्यूम के साथ तोड़ा, शेयर यहां से रॉकेट हो गया। लेवल क्या थे, 550 से शेयर बढ़ना शुरू हुआ तो 705 तक चला गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि शेयर अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल या रेसिस्टेंस लेवल तोड़ता है तो उसके बाद, और वो भी वॉल्यूम के साथ तोड़ता है, तो उसके बाद आने वाला मूवमेंट बहुत ही शानदार होता है, ठीक। फ्रेंड्स, सेशन थोड़ा सा लंबा हुआ है, नो डाउट, बट इंपॉर्टेंट सेशन है और साथ ही साथ नॉलेज वाला है। ये वो वीडियो है जिस वीडियो को हर टेक्निकल एनालिस्ट को सीखना ही चाहिए। और एक चीज का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एक बार में आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, ये हम मानते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक असल में समझ में आता कब है, उसके लिए क्वेश्चन, वो एक एडेज है कि करत करत अभ्यास के। तो आपको करना क्या है, कोई भी एक चार्ट खोलिए, उस चार्ट के अंदर देखिए, और देखने से आपको जो लग रहा हो कि वो लेवल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उस लेवल पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, पैरेलल लाइन, ठीक। अब देखिए इसको, ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन है शेयर का, क्यों, नीचे आने के बाद इन लेवल्स पर शेयर बार बार इन्हीं लेवल्स के पास में सपोर्ट ले रहा है, देखा, रेसिस्टेंस ले रहा है, माफ कीजिएगा। सपोर्ट लेवल क्या होगा इस शेयर का, सपोर्ट होगा ये, देखिए बार बार शेयर इन्हीं लेवल्स के पास में आकर सपोर्ट ले रहा है, ठीक। ये देखिए, यहां से शेयर गिरा, इन्हीं लेवल्स पर सपोर्ट लिया और यहां से चढ़ना शुरू कर दिया। आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये प्रैक्टिस करते रहना है आपको। चार्ट खोलिए, चार्ट में हजारों सपोर्ट और रेसिस्टेंस दिख जाएंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना बेहतर आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा और उतनी ही ज्यादा आपकी टेक्निकल एनालिसिस में एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। ये काम आपको करना है, सिर्फ थ्योरी आपका कुछ भी भला नहीं करेगी जब तक आप उसे प्रैक्टिकल ग्राउंड पर अप्लाई नहीं करते। इसीलिए इस प्रैक्टिस को जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा आपकी समझ में आएगी। फ्रेंड्स, पहला सेशन था सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, इसलिए हम सिर्फ इतनी ही बातें आपको बताएंगे। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है सपोर्ट और रेसिस्टेंस को लेकर, तो अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख दीजिए। आपके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम, जो इसका अगला सेशन आएगा, उसके अंदर सॉल्व करेंगे। एक दूसरा, अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो इस सीरीज को बार बार देखिए, इस चीज को समझिए। इन वीडियोस को आपको बार बार देखना पड़ेगा इसे अच्छी तरह से समझने के लिए। 8 साल के एक्सपीरियंस में हमने 400 से ज्यादा बुक्स पढ़ी हैं, कई हजार घंटों के वीडियोस देखे हैं, हजारों पेजेस के नोट्स बनाए हैं, और कई हजार घंटे रातों में जाग कर हमने टेक्निकल एनालिसिस का एक्सपीरियंस किया है, उसे प्रैक्टिस की है, तब जाकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, इस मुकाम पर, जहां पर कि आप लोगों के कमेंट्स देखिए, देखिए कैसे कैसे कमेंट्स आते हैं आपके, मतलब ये कमेंट्स देखने लायक होते हैं। ये कमेंट्स आपके आते हैं कि नमस्कार अजय जी, आपके मार्गदर्शन से मेरा लाल पोर्टफोलियो हरा हो गया है, IGL में करीब 12% मुनाफा बुक किया है। ये कमेंट्स कब आते हैं आप लोगों के, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये तो खैर वो है, ठीक है ना, ठीक। ये कमेंट्स आपके कब आते हैं, डाटा कभी झूठ नहीं बोलता है, ये हमने कहा था कि डाटा एनालिसिस कीजिए, डाटा कभी झूठ नहीं बोलता है। माइंड ब्लोइंग, माई एवरेज क्लस्टर इज वेरी वेरी एक्यूरेट, थैंक्स टू लर्न टू वन सीरीज, ये कब आते हैं, ये आते हैं इतने हजार घंटे की मेहनत के बाद। तो अगर आप सोचिए कि हजारों घंटे की मेहनत हम कंसाइज करके अगर आपको सिर्फ 20 मिनट के अंदर दे दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, बट आपको हम आपकी शुरुआती स्टेज दे सकते हैं, जहां पर आप कदम रखकर अगली छलांग लगा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए इन वीडियोस को बार 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 देखिए, इन्हें डाउनलोड कर लीजिए अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल पर बार बार देखिए। 3-4 बार देखने के बाद आपको ये वीडियो समझ में आने शुरू हो जाएंगे, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का लेवल आपकी समझ में आ जाएगा। स्पेशली वो लोग जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझना बहुत जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है, बट अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझना बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिजनेस चैनल पर आने वाले कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट आपके साथ में स्क्रीन शेयर नहीं करते, वो आपको ये कभी भी नहीं बताते कि वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जो आप हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं।
काइंडली रेस्पेक्ट कीजिए हमारी इस मेहनत को, हमारे नॉलेज को। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके पास में कोई डाउट है या जो चीज़ें आपको समझ में आई हैं वो, और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी है किसी शेयर को लेकर, आप चाहते हैं कि कोई शेयर एनालाइज करना चाहते हैं, आप हमारी मदद चाहते हैं उसमें, बिंदास अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जाकर डालिए। हम आपके लिए उन शेयर्स को एनालाइज जरूर करेंगे फ्रेंड्स, और अपने आगे आने वाला जो लाइव सेशन है उसके अंदर आपके वो शेयर्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहें हमारी हेल्प करने के लिए फ्रेंड्स, तो मन की बात सीरीज का जो वीडियो है, इस तरह के वीडियोज आप बनाकर हमारे मॉडरेटर्स को भेज सकते हैं। हम आपके वीडियोस आपकी परमिशन से अपने चैनल पर डालेंगे, आप हमारे चैनल का फेस बनेंगे, और आप ही हमें बताएंगे कि हमारे चैनल को कैसे चलाना है। अगर आपके पास में है किसी तरह का कोई आइडिया, एक्सपेक्टेशन आपकी हमारे चैनल से क्या है, वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें फ्रेंड्स, तो स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आ रहे इस पेटीएम नंबर पर आप पेटीएम डोनेट भी कर सकते हैं, आप गूगल पे का यूज़ भी कर सकते हैं कैश डोनेट करने के लिए। आपके डोनेशन की हमें बहुत ज़रूरत है चैनल को अपग्रेड करने के लिए फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आज का ये सेशन न केवल आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, बल्कि आपको बहुत कुछ सिखाएगा। अपने कमेंट देकर हमें जरूर बताइएगा कि आज आपने क्या सीखा है। सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।